हमारे लिए इस सरकार ने इतना फायदा दिया है, इसका कोई जवाब नहीं। योगी आदित्यनाथ बेहतर है। वोट किसके आधार पर, किसके चेहरे पे देंगे? सिर्फ योगी चेहरे पे। गरीब जनता रियासत के लिए परेशान है, पुलिस वालों का डर है। सनराइज न्यूज की टीम एक बार फिर से बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र के जनता से उनका हाल जानने की कोशिश कर रही है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है कि क्या माहौल चल रहा है चुनावी, बीते 5 सालों में क्या कुछ कामकाज कराया सरकार ने, क्या सरकार जो दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया गया है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है या नहीं बना है? समाजवादी पार्टी को लेकर के जनता के मूड क्या है? बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बुलंदशहर के गाँव में क्या कुछ भूमिकाएँ हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं डिबई के चमेड़ी गाँव में। यहाँ पर तमाम गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल है, बीते सालों में कुछ विकास की डोर इनके गांव तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। शुरुआत करते हैं अंकल से, क्या नाम है आपका? दीनदयाल शर्मा। क्या लगता है बीते सालों में कुछ कामकाज हुआ है? काम है भाजपा का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गाँव तक या आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ कामकाज हुआ तो आप क्या गिनाएंगे? सुधार हुआ है रास्ता का, अच्छा बढ़िया पे है का नक्शे है का, भाजपा ने अच्छा किया है काम। तो समाजवादी पार्टी का जब कार्य, उनका जब कार्यकाल था तब वो कामकाज नहीं कर पाई? नहीं, जब नहीं था तब क्या क्या दिक्कत आती थी? रास्ते ही नहीं बन नहीं है का, रास्ता है का आम रास्ता ही ना खराब पड़ी है तो क्या कैसे निकले मैं? अब भाजपा ने बनवा दिया, सरकार को अच्छी लगती है भाजपा। तो अब फिर से एक बार भाजपा को मौका देने? हाँ बिल्कुल देंगे ऐसा। तो अब क्या उम्मीद है कि भाजपा अगर आए सरकार में तो क्या कुछ कामकाज कराया? काम कराई, जब पहले कराया तो अब भी कराएगी आगे के लिए। किन मुद्दों पे काम कराया आपके गांव के, आपके विधानसभा क्षेत्र पे किन मुद्दों पर काम? हाँ मुद्दा ये है का रास्ता का था, रास्ता भी साफ करा दी बिल्कुल है का, पक्की करा दी है का। मुद्दा तो यही ज़्यादा होता है गाँवों में, रास्ता साफ होनी चाहिए। बाकी अगर मैं स्वास्थ्य की सुविधाएँ पूछूँ, शिक्षा की सुविधाएँ पूछूँ, कुछ है यहाँ पर? जी हमारे यहाँ सुविधा का काफ़ी प्रावधान हुआ है इस सरकार में, जगह जगह भी डिग्री कॉलेज भी हो गए हैं और यहाँ पर काफ़ी सुविधा दी गई है बीजेपी की तरफ से, इस सरकार ने बहुत सुविधा दी है। तो भाज हाँ बताइए। और हमारे मैं तो मेरा शायद मेरा जन्म 1967 का है, ठीक है जी। जब से मैं होशियार हुआ हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार रही थी यहाँ पर तो मैंने देखा था कुछ भी नहीं हुआ था, और ये सपा की सरकार आई थी उसके गुंडागर्दी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। इस सरकार ने हमारे जिस पूरे क्षेत्र में और पूरे मंडल में पूरी यूपी के अंदर ये गुंडागर्दी से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। और अगर मैं विधायक की बात करूं, यहाँ से जो विधायक है अनीता राजपूत, क्या कामकाज कराती हैं, आपसे मुलाकात करती हैं? कोरोना का दौर गया उस दौरान आप लोगों के आसपास आई थी सुविधाएँ देने? जी 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 आई थी, हमारी वैक्सीन आई थी यहाँ पर और मतलब काफ़ी सुविधा भी हुई है, लेकिन इस सरकार की तो हमारे लिए प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए योगी मोदी से मतलब है जी। हमारे लिए इस सरकार ने इतना फायदा दिया है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूरा प्रदेश देख रहे हैं ना जी जी, विधानसभा को देखने के लिए एक विधायक है, तो विधायक से कुछ उम्मीदें होंगी? देखिए जी, जो हमारा यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी से चुनकर जाएगा तो वो सरकार में उससे सम्मिलित होगा, जो हमारी सरकार अच्छी है तो अच्छा ही काम कराएगी वो क्षेत्र में। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या कुछ कामकाज नहीं करवा पाए? जी सर्वप्रथम तो ये बात है सर कि देखिए हमारे यहाँ पर गुंडागर्दी इतनी थी, इसका कोई जवाब नहीं, कोई बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं थी। आज के पीरियड में हमारे स्कूल कॉलेज के लिए जो भी बच्चे जाते हैं वो भी सुरक्षित हैं, और हमारे सारी गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है इन भाई साहब का कहना है। क्या नाम है आपका? थान सिंह। क्या लग रहा है, विकास पहुंचा है आपके गांव? विकास पूरा पहुंच रहा है। अच्छा खड़े खड़े हो जाइए, फिर आपसे बिल्कुल तसल्ली से फिर बात करते हैं। क्या नाम बताया आपने? थान सिंह। थान सिंह, उधर दे उस साइड घूम के। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ बेहतर या अखिलेश यादव बेहतर या कोई दूसरे दल के नेता? योगी आदित्यनाथ बेहतर है। क्यों आप उन्हें इतना मतलब अच्छा और बेहतर मानते हैं? अच्छा, ये मकानों की योजना चलाई उन्होंने, बिजली की सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला? हाँ, हमारे यहाँ बुलंदशहर में लड़का हमारा, उसके लिए मिला घर।
मिला है आप? मिला है। अच्छा, तो और क्या क्या आपको अच्छे काम लगते हैं योगी आदित्यनाथ? अच्छे तो सारे काम है, बिजली की योजना है, निराशन है, पानी है, लेटरिन बनी है, समझ लो। और तो ऐसा नहीं लगता कि बिजली तो पहुंच गई लेकिन बिजली थोड़ी महंगी पहुंची है? महंगी तो ना है, विशेष तो 20 घंटा बिजली चल रही है तो खर्चा के ऊपर। 4 घंटे क्यों नहीं आती? 4 घंटे पहले आती थी समाज पार्टी। आपने बताया 20 घंटे तो बिजली आती है, आपने बोला बिजली महंगी भी नहीं है क्योंकि 20 घंटे तो आती है, तो वो 24 घंटे क्यों नहीं आती? कभी आप लोगों ने सवाल किया अपने विधायक से कि हाँ भैया 20 घंटे तो आती है, आप लोग 4 घंटे किस लिए नहीं आ पाती? विधायक से कोई सवाल ना करो, नहीं करते। 20 घंटे में संतुष्टि है, समझ लो। तो 20 घंटे में संतुष्टि है। सभा में पहले नाती बिजली। अच्छा, एक भाई साहब पीछे से बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, पहले सभा में आती बिजली, इस टाइम अभी तो आ रही है ढंग से। ये बहुत अच्छी बात है कि बिजली आ रही है, लेकिन आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने घंटे बिजली आती है? इस टाइम आ रही है 18 घंटे। वो भाई साहब 20 घंटे बता रहे हैं, आप 18 घंटे बता रहे हैं, हो सकता है 2 घंटे का हेर फेर हो जाए। लगे कि दिन की जो जंगल की बिजली अलग, गांव की अलग है होगी अब। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, बुलंदशहर दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पास है मेरे ख्याल से 150 से 200 किलोमीटर के अंदर ही है। लेकिन मैं फिर भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में आता है लेकिन वहाँ पर 2400 घंटे बिजली आती है, ठीक है? उसके बाद कई ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ऐसे विधानसभा है तो उनमें 2400 घंटे बिजली आती है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये सवाल किया अपने अधिकारियों से जो आसपास के हैं, बिजली विभाग के प्रशासन से, विधायक से, कि भैया आप 4 घंटे या 6 घंटे लाइट हमारी क्यों काटते हैं? उसमें ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है, कभी पेड़ से ट्रिप हो जाता है बिजली का, उसमें लग जाता है। रोज 24 में से 6 घंटे कहीं और कुछ ना कुछ हो जाता है। बाकी इस टाइम शाम के 5 बजे से सुबह तक 7 बजे बिजली आ रही है नाइट में, सुबह को 9 बजे शाम तक आती है। मतलब ऐसे क्यों? मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों ने कभी ये जहन में कभी सवाल आया कि विधायक से पूछा जाए, प्रशासन से पूछा जाए, अधिकारियों से पूछा जाए कि भैया लाइट आप दे तो रहे हो, अच्छी बात है, 8 रुपए के हिसाब से आप लाइट दे रहे हो, लेकिन इतनी महंगी क्यों, इतनी कटती क्यों? सुना है कि एनएफ प्लांट हमारे पास है, ठीक है, हमें कायदे में 24 घंटे मिलनी चाहिए, कायदे में एनएफ मिलनी चाहिए ना, फ्री की बात नहीं है, फ्री में नहीं, लेकिन बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए प्लांट पास में, बिजली यहाँ से मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर 24 घंटे बिजली आने लग गई और आप लोगों से कहा गया कि आपको 12 रुपये या 10 रुपये के हिसाब से देनी है तो मंजूर है फिर? बिल्कुल मंजूर है, अगर 10 रुपये के हिसाब या 12 रुपये के हिसाब से लेंगे। जब 24 घंटे बिजली आएगी 10 का 15 देने को तैयार हैं। 15 भी देने को तैयार है? अच्छा, तो समाजवादी पार्टी के समय पर कितना था बिजली का? देखो उसकी मत पूछो बिल्कुल भी। नहीं, मैं रेट पूछ रहा हूँ, रेट कितना था? रेट की मुझे नहीं पता, कितनी की थी उस टाइम? नहीं पता। नहीं नहीं। अच्छा, तो लाइट उस टाइम पर कितनी आती? लाइट उस टाइम नहीं आ रही बिल्कुल भी, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहता था। बिल्कुल सन्नाटा, उस टाइम लाइट भी नहीं थी यहाँ के, मोदी जी के अलावा किसी ने लाइट का यहाँ पर कोई वो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कराई थी। ये है, बाकी योगी ने अच्छा काम किया है, मोदी ने अच्छा काम किया है। बाकी मैं तुमसे एक शब्द पूछूं, बाकी तुम हो किसी पार्टी से भी, उन्हीं जानना मैं। हम पार्टी से नहीं होते, हम मीडिया वाले। हाँ, मीडिया वाले हैं, बाकी यहाँ जो योगी मोदी हैं, ठीक है। तो अच्छा, विधायक ने अच्छा काम किया, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल, विधायक ने अच्छा काम किया या नहीं किया, ठीक है? मैं आपको ये जवाब और आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको जवाब देना हो तो बताइएगा, विधायक ने अच्छा काम किया? विधायक ने अच्छा काम किया, हमारे गाँव में जो आई सड़क जो बनी अभी, नई बनी अभी, आए हुए अभी जी, उन्हीं की खातिर से आई है। अच्छा, वो मैंने देखे उसके हालात कितनी नहीं है, वो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपके मुताबिक अच्छा कामकाज किया विधायक, अच्छा ने किया, तो इस बार तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो आप वोट किसके आधार पर, किसके चेहरे पे देंगे? सिर्फ योगी चेहरे पे, योगी के चेहरे पे। हाँ। योगी के चेहरे पर वोट डाला जाएगा, विधायक से कोई मतलब नहीं है, अगर विधायक कामकाज अच्छा करता है तो कोई बात नहीं, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो उसके बावजूद भी सीएम के नाम पर वोट डाल दिया जाएगा। आप किसके नाम पर वोट डालेंगे? योगी मोदी के नाम पर। मतलब ऐसा है, हाँ, जो योगी मोदी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। नहीं, थोड़ी सी तो कर दीजिए कैमरे पर, ज़्यादा ही कर दीजिए। उन्हें जो है, देखो जो हमारे विधायक थी उन्होंने अनिता राजपूत ने बहुत अच्छे विकास कराई। जैसे क्या क्या? जैसे रोड हैं, और हमारे गांव में ना, और भी गाँव में बहुत कुछ रोड कराए। अच्छा, सड़क के अलावा और क्या क्या, मतलब 5 साल में सिर्फ सड़क ही बन पाई? कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत कुछ वो किया। क्या क्या? जैसे उन्होंने जो आर्थिक मदद होती है, जैसे कुछ घर घर जाके पैसे बांटे उन्होंने, वो भी चीज़ उन्होंने की जो है। और थोड़ी इस सरकार में थोड़ी बस एक ही समस्या, साणों वाली
ये समस्या ज़्यादा है, किसान दिन रात परेशान है इसमें जो है, मतलब किसान खुश नहीं है। हाँ, इसमें मतलब थोड़ा इस चीज़ से परेशान है बस। तो कैसे लगता है कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाएगा? आप तो किसान ही, आपके पास तो सुझाव भी, किसान तो कर रहा है अपना जैसा भी कुछ कर रहा है, दिन रात दिन में भी पड़ा रहता है खेत पे, रात में भी पड़ा रहता है बेचारा। सुझाव है कोई सरकार के लिए, विधायक के लिए कि हाँ कर सके भाई? किसान के पास तो इतना पैसा है नहीं जो उनका गौशाला बना के उसका इंतजाम कर सके, इसकी गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो सरकार है। अच्छा, अगर महंगाई की बात की जाए, महंगाई का असर कुछ दिखाई देता है कुछ प्रदेश? कुछ दिखाई देता है ये बस, इसमें तो कुछ है, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट जो हमें जो है मोदी जी जो हमें गरीब जनता के लिए सुविधा दे रहे हैं वो तारीफ करने लायक हैं। अच्छा, सबको वैक्सीन लग गई है? दो दो वैक्सीन भी लग चुकी है, वैक्सीन हर गाँव में जो है। क्या नाम है आपका? खेम सिंह। क्या लगता है आप भी लाठी डंडा लेके खेत पे? खेत में मतलब कैसा मजा आता है रात में? अरे मजा नहीं, गैया बिजार के मारे खेती खेती से करी खा ले और खाए वहाँ। क्या टॉर्च है? बस हमारे गांव तक हमने बिजली पहुंचा दी तो अब भी टॉर्च की जरूरत? टॉर्च तो क्या, लाइट है, खेतों में बिजार देखते हैं इससे। मैं जब दिल्ली से आ रहा था मुझे लगा अब तो उत्तर प्रदेश में टॉर्च किसी के हाथ में दिखेगी ही नहीं, क्योंकि भैया बिजली पहुंच गई हर जगह। अरे बिजली तो है, बिजली तो खूब है, किसान इतना सुरक्षित है कि जब रात में लाइट आती थी अब दिन में आती है लाइट, दिन में किसान पानी लगाता है। अब योगी सरकार में इतना तो फायदा है। अच्छा। किसान के लिए। लेकिन तब भी लाठी और टॉर्च लेकर के रात में निकल ली? पर गैया बेचारे की समस्या है बस, किसानों की और क्या है। अच्छा, तो लाएंगे योगी सरकार गौशाला में जाए छोड़ रहे तो पैसे मांगते हैं कि 2000 रुपये दो उस पहले, तो अब किसान कहाँ छोड़ के जाएगा? वोट किसको डालेंगे? मोदी को, डायरेक्ट मोदी जी को। हाँ जी, ये तो बाबूजी का विधायक, विधायक वोट मांगे, वोट डालेंगे हम मोदी। ना ना ना, ये बाबूजी का क्षेत्र है, बाबूजी बीजेपी में रहते थे, बीजेपी में ही सरकार बनेगी और बीजेपी में ही वो होगा। अच्छा, बीजेपी में ही सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार रहेगी चमेड़ी गाँव में। हाँ बताइए। गाँव की समस्या ये है कि गाँव का पानी कभी पानी खेतों कभी इधर निकल रहा है, कभी कोई नाला नहीं नाली, कहीं किसी के खेत में निकल रहा है पानी, कहीं कहीं निकल रहा है पानी, कोई रास्ता। इतनी समस्याओं के बाद भी कभी लगता है कि ये जिम्मेदारियां किसकी है? अब यह बात है तो होना कैसे? बस ये बात मैंने गलत बोल दी है ना। ये तो सवाल ही मैंने गलत कर, ये तो प्रधान देखेगा गांव का पानी कहाँ निकलेगा कहाँ नहीं निकलेगा। अच्छा, अपने मन को कैसे मतलब मनाते हैं कि किस आधार पे किसी पार्टी को वोट डालना? ये तो समझते हैं कि मतलब हाँ इस बार योगी को डालना है या अखिलेश को डालना है या मोदी को डालना है या मायावती को, कैसे मतलब बताइए कैसे? ये तो अपने अपने टीवी देख विचार है, विचार अपना यहाँ है कि अपना क्षेत्र बाबूजी का है। आखिरी सवाल, आपके विचार भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिलते हैं? अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। हाँ जी, हमारे परदादा दातवे चले आए बीजेपी में, जब बताए तो आप वोट डालना है बीजेपी में, सबसे बीजेपी को वोट। हाँ जी, बीजेपी में ही। अच्छा, बस बीजेपी में वोट डाल रहे हैं लेकिन रात में लाठी और टॉर्च लेकर के खेत पे निकल जाएंगे। ये तो समस्या है ही है सभी किसानों की। तो अरे तो समस्या कैसे हल होगी, कभी सोचा नहीं है? जिंदगी इसी में ही बिता देनी है रात में। अब मार तो गौशाला खुलवा दिया, अब कह रहे तो अब वहाँ जाए गौशाला में तो बेचारे को लेके तो कहते 2000 रुपये दो पहले, जबकि इसमें छोड़ो इसे। समस्या बहुत है किसानों की। वोट बीजेपी को डाल। हाँ, बीजेपी को। ये बात आपकी बढ़िया लगी बहुत। चमेड़ी गांव में हम मौजूद थे, डिबाई विधानसभा क्षेत्र है, बुलंदशहर ज़िले में मौजूद थे हम लोग और लोगों से बातचीत करी, चमेड़ी गांव की जनता से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ चुनावी माहौल है। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। गायों की समस्या सबसे ज़्यादा बाहर निकल के आई कि रात में लोगों को खेत में जाकर के चौकीदारी करनी पड़ती है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, उनको खेत में जाकर के देर रात तक चौकीदारी करनी पड़ती है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि योगी सरकार फिर भी बेहतर है क्योंकि गुंडा राज खत्म हुआ है। कई लोगों का मानना था कि समाजवादी की सरकार जब थी तभी गायों की समस्या नहीं हुआ करती थी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम चलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और देंगे आपको हर अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज़ न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।